हाँ बेटा, जो हमारा क्लास 12th है ना, जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन, और आज हमें पढ़ना वाला द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस है, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शंस है ना। तो बेटा जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस है ना, बिफोर गोइंग ऑन दिस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तभी आपको कुछ आइडिया है राहिल प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में? इसका कंसेप्ट है फ्रैक्शन का कंसेप्ट, व्हाट इज मेंट बाय फ्रैक्शन? आपने कहा हमारे पास जो रेशनल फ्रैक्शन होती है ना, रेशनल फ्रैक्शन दैट इज, अगर हमारे पास एक पॉलीनोमियल है पी ऑफ एक्स, डिवाइड बाय करेंगे हम क्यू ऑफ एक्स से, प्रोवाइडेड क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन वेयर वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दिस इज कॉल्ड पी ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड क्यू ऑफ एक्स। वेयर पी ऑफ एक्स अ पॉलीनोमियल, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों बोथ पॉलीनोमियल्स है। अब बेटा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा पहले फ्रैक्शन ये छोड़ो, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय फ्रैक्शन। तो आप लोगों ने कहा व्हेन वी हैव टू पॉलीनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, सर दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अब बेटा अगर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन डिफाइन करना होगा ना, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा तो आप लोगों को क्लियर होगा। एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, राहिल दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ना थ्री डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस थ्री, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, दिस आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस आर ऑल, हाँ वेरी गुड। तो आप लोगों ने कहा सर हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया प्रॉपर फ्रैक्शन मीन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। जब भी डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, न्यूमरेटर की डिग्री किससे छोटी होगी? डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स से, डिनोमिनेटर से। वायर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू, सच ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, सच ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहां पर मैं एक और एग्जांपल दूंगा, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, नीचे है एक्स माइनस वन, यहाँ पर अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन है, राहिल आपने कहा नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एट है, जो ये फ्रैक्शंस है ना, दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मुझे समझा व्हाट इज मेंट बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप लोगों ने कहा अगर डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर आर इक्वल तो होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, सच ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सच ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड। तो जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो बेटा आप लोगों ने कहा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है। हाँ बेटा, तो जो टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले आप लोगों ने पढ़ा सबसे पहले रेशनल फंक्शन, व्हेन वी हैव टू पॉलीनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, वो होता है इन द फॉर्म पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स, व्हेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप देखा दिस इज फ्रैक्शन। इसके बाद आप लोगों ने कहा अगर डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स मीन न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन होगी डिनोमिनेटर से, तो हम कहेंगे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। इन एनी केस अगर डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू होगी डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, देन इट इज कॉल्ड इंप्रॉपर फ्रैक्शन। अब तारिश इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जेके मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट वाले ना वो याद रखेंगे, और 12th वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन हम फ्रैक्शन को कब कर सकते हैं? इंटीग्रेशन मकसद हम, अगर हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है हम इस पर कब इंटीग्रेशन करेंगे? बोलना कोई, फ्रैक्शन मस्ट बी प्रॉपर। तो नोट रखना, वी कैन इंटीग्रेट, किसको मकसद? पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स को, क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ऑनली इफ इट इज प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मकसद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट
राइट है कि हम फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तब जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब ताबिश आप लोगों का क्वेश्चन आएगा सर इंप्रॉपर फ्रैक्शन तो हम प्रॉपर कैसे बनेंगे प्रॉपर, हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। सपोज हम जो हमारे पास न्यूमरेटर होगा, हम न्यूमरेटर को दिस मीन्स पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे क्यू ऑफ एक्स से, यहाँ से हमें मिलेगा क्वेश्चन, यहाँ से हमें मिलेगा रिमाइंडर, है ना। तो फिर हम उसको लिख सकते हैं, है ना। जैसे आप, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो तब आप लोगों को क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप लोग ने इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट रखा है, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं किसको, प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब मसला है कि इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, तो सभी लोग देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट रूल सभी लोग देखेंगे ध्यान से। अगर राहिल आपके पास फ्रैक्शन ये है p of x divided by q of x, it is like this, maksud. आपने कहा सर क्वेश्चन है like this, 1 divided by x minus 1, x minus 2. ये आपके पास फ्रैक्शन है। ताबिश ये फ्रैक्शन है। आप में से मुझे कोई पता नहीं ये प्रॉपर है? यस सर। न्यूमरेटर की डिग्री 0, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप लोगों ने सर हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सभी लोग सोचेंगे रूल स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में राहिल आप लोग क्या करेंगे ध्यान से देखना, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तो हम लोग 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ताबिश x माइनस 2 को लिखेंगे, सम कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, सम कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय x माइनस 2। चाहे जो लोग ऑनलाइन है ना वो लोग ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग। अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम लोग 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 को राय क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट a डिवाइड बाय x माइनस 1, सम कांस्टेंट b डिवाइड बाय x माइनस 2, हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू a इनटू x माइनस 2 प्लस b इनटू x माइनस 1। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर कैसे, हम लोग LCM लेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। ए बेटा मकसूद हम लोग लेंगे LCM x माइनस 1 और x माइनस 2, यहां पर इसके साथ क्या है बचेगा क्या x माइनस 2, इसलिए आपने ऊपर भी मल्टीपल किया x माइनस 2 नीचे भी किया x माइनस 2, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ए यहाँ पर नीचे क्या है x माइनस 2 बचेगा क्या x माइनस 1 से मल्टीपल। बेटा क्लियर मकसूद क्लियर हुआ, मैं एक बार सिखाऊंगा। दिस इज 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2, आपने कहा सर ये भी बन गया x माइनस 1 x माइनस 2, कोई दिक्कत, ये भी बन गया x माइनस 1 x माइनस 2। राहिल x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल, अपना क्वेश्चन वापस x माइनस 1 x माइनस 1 कर, ठीक है ना। यहाँ से x माइनस 1 x माइनस 2 LCM सेम है ना डिनोमिनेटर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो 1 इज इक्वल टू a इनटू x माइनस 2 प्लस b इनटू x माइनस 1। यहां तक क्लियर, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ताबिश क्लियर, तो बेटा सबसे पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे सम कांस्टेंट a डिवाइड बाय दिस, सम कांस्टेंट b डिवाइड बाय दिस, अगर तीसरी टर्म होगी c डिवाइड बाय दिस, अगर चौथी टर्म होगी d डिवाइड बाय दिस, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने कहा हम सर डिनोमिनेटर को LCM लेंगे x माइनस 1 x माइनस 2, यहां बचेगा a इनटू x माइनस 2 b इनटू x माइनस 1, यहां तक क्लियर, इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। राहिल अब आपको a का वैल्यू निकालना है और इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, जो a का डिनोमिनेटर है उसको पुट कर लो 0 के बराबर, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इन इक्वेशन, दे दो यहां पर 1 इज इक्वल टू a into 1 minus 2 minus 1, ये बनेगा 0 क्योंकि x minus 1 तो 0 है ना। तो बेटा आपने कहा सर a का वैल्यू मिलेगा minus 1, तो आप ये किसका वैल्यू निकाला आपने, आप किसका वैल्यू निकालना है, तो पुट करेंगे उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर, पुट x minus 2 is equal to 0, x का वैल्यू कितना आएगा, यूज किसमें करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जब आपने राहिल इक्वेशन फर्स्ट में यूज किया सभी लोग ध्यान से, तो ये बनेगा 1 is equal to b into 2 minus 1, क्यों ये वाला 0 बन गया, तो राहिल आपने कहा b का वैल्यू मिला 1, b का वैल्यू क्या मिला, a का वैल्यू क्या मिला, यहां पर सब अशिफ्ट कर लो फिर इंटीग्रेशन कर लो, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन। ताबिश माइंड में क्लियर हुआ, आप लोग नोट कर लो, पूरा क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। तो बेटा आप लोगों ने कहा कि जो हमारा क्वेश्चन था ना दैट वाज दिस इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2, है ना, और आप लोगों ने इसको लिखा था a इनटू dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b इनटू dx डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यही था ना क्वेश्चन पक्का, क्योंकि आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे लिखा, a का वैल्यू कितना आया आपको -1
तो आपने लिखा माइनस बाहर dx डिवाइड बाय x माइनस 1, तो अभी b का वैल्यू कितना है हमारा dx डिवाइड बाय x माइनस 2, यहां तक बेटा क्लियर? तो अभी इसका पता आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x का लॉग, ये बनेगा माइनस टाइम लॉग ऑफ x माइनस 1, और सर ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 2 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। हां वेरी गुड बेटा, आपने कहा इसको लिखेंगे हम लॉग x माइनस 2 प्लस लिखेंगे सर, ओ माइनस लिखेंगे बेटा लॉग x माइनस 1, आपने पहले पॉजिटिव टर्म लेके आ गए फिर नेगेटिव प्लस c, लेकिन दिस इज फार्मूला लॉग m माइनस लॉग, तो दिस बिकम्स लॉग ऑफ m बाय x x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x minus 1 plus constant c. This is establish how we can find integration by making use of partial fractions. Clear? हाँ बेटा बोलना। ये देखो आपके exercise का पहला question इन प्रकार है। x divided by x plus 1 into x plus 2 dx. Yes sir. तो ताबिश सबसे पहले जब भी आपको integration करनी होगी rational fraction की, मकसूद और ये शायद आजकल सबसे पहले सीखो बेटा, जब भी आप इंटीग्रेट करनी होगी ना रेशनल फंक्शन की, रेशनल फंक्शन की, तो आपने कहा मैं रेशनल फ्रैक्शन को जब देखूंगा ना px डिवाइड बाय qx, सर सबसे पहले होना चाहिए प्रॉपर, राइट? ये कब का होती है प्रॉपर? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो। आपने कहा सर न्यूमरेटर में डिग्री 1 लेकिन जब डिनोमिनेटर है इसकी बनेगी 2, तो सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए फैजान, आपको काम करना है जो ये पार्शियल फ्रैक्शन है ना इसको कैसे लिखना है, तो देखो आपने कहा सर दिस इज x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2, इसको मैं सर लिखूंगा सम कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय दूसरा x प्लस 2, लेकिन जो ये फैक्टर होने चाहिए ये होने चाहिए लीनियर, ये लीनियर है ना। इसके बाद बेटा यहां न्यूमरेटर x है इक्वल टू शायद आप बना एलसीएम, ये ले लो एलसीएम, x प्लस 1 और x प्लस 2 लेना है आपको एलसीएम, आदिल x प्लस 1 और x प्लस 2 लेना है एलसीएम, ये कब आएगा एलसीएम यहां पर x प्लस 1, आपने कहा सर x प्लस 1 यहां पर भी x प्लस 1, यहां पर x प्लस 2 है यहां पर x प्लस 2 नहीं है, तो आपने कहा इसको मैं लिखूंगा a into x प्लस 2 क्योंकि मैंने x प्लस 2 से ऊपर भी मल्टीपल किया, ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, ये प्लस b, b के साथ क्या है x प्लस 1, यहां तक क्लियर फैजान? पहला पॉइंट क्लियर? अगर रिपीट करना है बेटा मैं यहीं पे हूं, बोलो क्लियर हुआ ना? तो इसके बाद ताबिज आप रिपीट कर लो स्टेप, आपको ए का वैल्यू निकालना है बी का वैल्यू निकालना है, फैजा याद रखना जब भी ए का वैल्यू निकालना है इसका जो डिनोमिनेटर उसको पुट करो जीरो के बराबर, इसका डिनोमिनेटर क्या है x+1, तो आपने कहा पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सर दिस सिंपल x का वैल्यू माइनस 1 यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन x को क्या देना है वैल्यू यहां दिया माइनस 1 इक्वल टू सर ए ऐसे रहेगा ये बनेगा माइनस 1 प्लस 2 ये बन गया 0 क्योंकि आपने x प्लस 1 को 0 रखा, तो आपने कहा सर b a का वैल्यू आएगा माइनस 1, बेटा यहां तक क्लियर? yes, दो में एक चलेगा या माइनस a का वैल्यू निकाला, मकसूद आप ये आज ला आप बताना सीखे b का वैल्यू निकालने के लिए पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, वेरी गुड, दिस सिंपल x का वैल्यू माइनस 2 यूज इन इक्वेशन, वेरी गुड, इक्वेशन फर्स्ट में तो ये क्या बनेगा माइनस 2 इज इक्वल टू b * माइनस 2 प्लस 1 है ना, आपने कहा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस कैंसिल, बी का वैल्यू कितना आ गया 2, बी का वैल्यू आ गया 2, ए का वैल्यू आया माइनस 1, तो हम अब अपने क्वेश्चन पे जाएंगे, तो आपने कहा जो क्वेश्चन है हमारा सर सभी लोग देखेंगे ध्यान से, आप लोगों ने कहा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स डिवाइड बाई इसके नीचे एक्स प्लस 1 है ना प्लस बी डी एक्स डिवाइड बाई x plus 2, x plus 2 यहाँ तक क्लियर? a का वैल्यू क्या है? minus 1, तो आपने कहा minus 1 बाहर dx divided by x plus 1, plus b का वैल्यू कितना है? 2 बाहर dx divided by x plus 2, sir dx by x cube क्या लॉग? ये बनेगा minus log of x plus 1, plus 2 times log of x plus 2, plus constant c, फिर इनको लिखेंगे log m minus log m, आएगा ना? तो सभी लोग देखें, आप लोगों ने कहा this is log of x प्लस 2 का होल माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी, सर ये बनेगा लॉग m माइनस लॉग n, तो दैट इज लॉग m बाय n, बेटा क्लियर? राइट डाउन दिस, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद कर लो, ताबिश वाला।